इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अजबरा इंपॉर्टेंट क्यों है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्जबरा को इतना इम्पोर्टेंट बना देती हैं जो हमें सीखने पर मजबूर करता है बाय बिल्डिंग अप पार डेटा साइंस जर्नी तो डेटा साइंस और एआई के हवाले से बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथमेटिक्स को हाई लेवल पे अगर आप ले जाएं हाई लेवल से मुराद कि ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा डेटा ज़्यादा नंबर्स में ले जाएं तो आपके पास डेटा uh, साइंस आ जाती है अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्जबरा हमारे पास किस तरीके से और क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज़ आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं जो मैथमेटिक्स की बेसिक एक स्किल है अल्जबरा कि्स लर्नर्स विद द स्किल्स टू सॉल्व अ वाइटी ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पर आपने सिंपली क्या किया यहां पे इस नंबर को फाइंड आउट किया ठीक है फाइव प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू टेन अल्जबरा क्या करता है इसको फाइव को फाइंड आउट करता है तो इसी तरीके से अगर आप प्रॉब्लम में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है या रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है जब आप अल्जबरिक इक्वेशन को देखते हैं ना यानी कि इक्वेशन बनाना सीख जाते हैं तो आप किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं ठीक है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देन आप सेकंड पॉइंट पे जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्वियसली जब आपने रिजॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि पांच में पाँच डालेंगे तो ही दस बनेंगे छः डाल के दस नहीं बनते है, सो यू विल एक्चुअली इन्हांस योर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बाय प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम इन स्ट्रक्चर्ड मैनर क्यों क्योंकि जब आप इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस में बात करते हैं दैट पॉइंट यू नो हाउ टू प्रजेंट दीज इक्वेशज एक्सप्रेशन इन अ वायटी ऑफ मैथड्स जहां पर आप बताते हैं कि लॉजिकली इसको पहले आना चाहिए इस चीज को बाद में फिर स्ट्रक्चर बनेगी सो so अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का नहीं पता होगा मैथ के अंदर तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंसिस और नंबर थ्यूरी को मैंने बताया था क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स अब नंबर थ्यूरी से भी आ गया हम अलजबरा पे आ गए अलजबरा क्या है अलजबरा में सिर्फ नंबर्स नहीं है भैया सिर्फ नंबर नहीं है अल्फाबैट सिम्बल्स इक्वेश ऑपरेटर्स भी हैं तो ये उससे भी बड़ी बला आ गई है बला से मुराद की इसका फायदा ज्यादा है डरने वाली बला नहीं है ठीक है so, सो यहाँ पर अगर आप गौर करें तीसरी चीज़ फाउंडेशन फॉर एडवांस स्टडीज़ यानी कि मास्ट्री ऑफ अल्जबरा इज़ असेंशियल फॉर एडवांस स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स साइंसज इंजीनियरिंग एंड मनी अर फील्ड्स मनी अर फील्ड में मैं आपको डेटा साइंस का जरूर कहूंगा अगर आपको अल्जबराता है खास तौर पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजबरा जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा विच टाइप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ लग गया कि अल्जब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है ठीक है अब अजबरा की इम्पॉटेंस के बाद हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि ना हमें अलजबरा सीखना कैसे है और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है क्या ख्याल है ऐसा ही है चलिए मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ